हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए ब्रोकली और कैरेट की स्टर फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप डाइट पे हैं तो आप इसको ज़रूर लें, और नॉर्मल भी आप इसको ले सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, और इसमें मैंने यहाँ पे स्टर फ्राई किया है, तो जिससे इसके जो प्रोटीन और विटामिन है बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रोकली ले लिया है 200 ग्राम, उसको अच्छे से काट लीजिए, क्लीन कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कैरेट लिया है, इसको भी मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, उसको भी चॉप कर लीजिए। 2 हरी मिर्च ले लीजिए। अभी मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें मैंने ऑलिव ऑयल 1 चम्मच ऐड किया है। ऑलिव ऑयल गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ऐड कर दूँगी, और इसको क्या है, हमें बस स्टर करना है और ज़्यादा पकाना नहीं है। इसका कच्चापन दूर करना है, इसको बिल्कुल रेड नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। अब मैं यहाँ पे कैरेट भी यूज़ कर दूँगी, कैरेट डाल देंगे। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रोकली भी ऐड कर दूँगी। ब्रोकली अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रोकली में खुद ही थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, जिससे कि ये पक जाएगी धीरे धीरे। मैं यहाँ पर कुछ पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ अलग से, जस्ट इसको धीरे धीरे स्लो फ्लेम पर आप इसको पकाएंगे तो दोनों चीज़ें पक जाएंगी अच्छे से, और इसके जो प्रोटीन और विटामिन्स हैं ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर बीच बीच में इसको चलाते रहें, जिससे कि ये सब तरीके से पक जाए। अब मैं यहाँ पे स्वादानुसार नमक ऐड कर दूँगी। स्वादानुसार नमक ऐड कर दें, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। इसको फिर से चलाते रहें 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। फिर से इसको चलाते रहें। इस रेसिपी का नाम स्टर फ्राई है, तो मतलब इसको चला चला के ही पकाना है हमें। फिर मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड किया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दे, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो लीजिए, आपके जी ब्रोकली और कैरेट की स्टर फ्राई रेसिपी बन के तैयार हो गई है। आप इसको नाश्ते में भी ले सकते हैं, और आप इसको रोटी के साथ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मसाले यूज़ नहीं किए हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।